मिर्जापुर में स्थित माँ विंध्यवासिनी धाम में बिहार के युवा नेता तेज प्रताप यादव ने विधि विधान से किया दर्शन पूजन। दर्शन पूजन के पश्चात तेज प्रताप यादव ने विंध्य विकास परिषद के सदस्य राज मिश्रा के निवास स्थान पर विश्राम किया। पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सूबे के मुखिया को वैक्सीन लगवाना चाहिए, उसके बाद ही जनता को लगवाना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। ये या सरकार की जिस तरह से चल रही मनसा, ऐसे में आप क्या कहेंगे? किसान को लेकर कई एक दिनों से नहीं, कई एक सालों से किसान जो हमारा है वो भुखमरी के कगार पर, और कितने किसानों ने जंतर मंतर पर फांसी लगाने का भी काम किया, लेकिन सरकार पूरे तरीके से डेड हो चुकी है, सरकार पूरे तरीके से सो चुकी है, कोई भी हलचल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक देश दुनिया का और खासकर किसान भाइयों का भला नहीं हो सकता। अच्छा, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, क्या लग रहा है? क्या बीजेपी और जेडीयू को चलना है? क्या लग रहा है आने वाले समय? देखिए, जेडीयू बीजेपी पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, रोज ना रोज दिन आप देखने का काम कर रहे होंगे जिस तरीके से हो रहा है। और पूरा बिहार का जनता जो हम लोग को मैंडेट देने का जो काम किया है, पूरा बिहार का जनता अब अपनी सरकार आने वाली है। अच्छा, हलचल से है, पूरा पता चल गया है सबको कि किसकी सरकार आने वाली है। क्या जेडीयू साहब की बातचीत चली, आने वाले समय में देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? कोई बातचीत चल रही है? एकदम बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे एकदम। क्या कुछ उसका डेडलाइन भी तय हो चुका है, आप लोग के अंदर से कुछ बातचीत भी तय हो चुकी है, क्या यही कारण भी? वो पार्टी की गतिविधियाँ वो अभी आपको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय आने पे आप लोगों को पता चल जाएगा सब लोगों को। अच्छा, वैक्सीन क्या, अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना होगा, वैक्सीन क्या अगर ये होता है तो लगवाना चाहिए कि नहीं, जो बीजेपी के करें वैक्सीन है? वैक्सीन आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लगाइए वैक्सीन। हम लोग मीडिया के लोग बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी लगवाएंगे। जरूरत पड़ेगी लगाइए, कोरोना हो रहा है, आप लोग है ना, हम जनता आ गए है। नहीं, आपको जरूरत या कोई भी है तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, जनता से क्या कहेंगे? वैक्सीन पहले आप लोग तैयार हैं लगवाएं वैक्सीन? आप अपील करेंगे जनता से कि वैक्सीन लगवाना चाहिए? नहीं, पहले वो जो मुखिया जो लोग हैं, जो दादा लोग बैठे हैं कुर्सी पे, पहले वो लोग लगवावे वैक्सीन। केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वैक्सीन लगाएं, लगाएंगे वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में जो आप लगाइए वैक्सीन, बिल्कुल अगर भाई हमें जरूरत होगी तो हम लगाएंगे। जरूरत है, लगाइए, लगवाएंगे बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति जो आप देख रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में आपको क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से और जो बीजेपी का जो नुरा कुश्ती चल रहा है, आने वाले समय में आप क्या देखते हैं भविष्य? भविष्य को इन लोगों ने जो समाजवादी में जो विचारधारा के जो लोग हैं पूरे तरीके से अंधकार में लोगों को डालने का काम किया, और पूरे जगह देख लीजिए इन लोगों ने अपना अपना चीटिंग करने का काम, बिहार में भी जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट थे उनको जबरदस्ती हराने का इन लोगों ने काम किया। हमारे पार्टी के विधायक लोगों को भी और सब जगह से वो लोग पड़े हुए हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों के पास एक ही मुद्दा है, लालू एंड फैमिली। बिहार में क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सब जगह का एक ही लोका है, लेकिन इन लोग पूरे तरीके से डेड हो गया, इन लोगों के पास कुछ है नहीं, बस अनाप शनाप काम इन लोगों का करना। बिहार के एक बहुत ही विधायक हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, आपके यहाँ आए, आपके यहाँ मिले भी, क्या उनका मौसम चल रहा है यहाँ आने का? उनके परिवार से आत्मिक का लगाव, हमारे परिवार में संबंध है जो कि उनके परिवार से हमेशा कोई ना कोई दर्शन पूजन करने माँ के दरबार आते रहते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके आते रहते हैं, उसी के साथ में अपनी मनोकामनाओं को लेकर उन्होंने कल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किया, और जो भी उनकी मनोकामनाएँ रही उस मनोकामनाओं को माँ के चरणों में समर्पित किया। जैसा कि कल उनसे पूछा गया था कि आपके नगर विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करेंगे और आपको टिकट नगर से जुड़वाएंगे, इसके बारे में क्या? ये तो आप लोग भी बता सकते हैं और इस पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जनता का प्यार, जिस तरीके से हमारे युवाओं, नौजवानों, छात्रों, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है,
उस प्रकार से अगर ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नगर से सेवा करने का मौका दिया जाता है तो नगर की सेवा करूँगा। राजनीति करना हमारा पेशा नहीं, लोगों की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। जैसा कि समय देखा जा रहा है कि आप ये युवा है नेता हैं और नगर क्षेत्र में भी आपकी चर्चाएं चलती रहती हैं, तो आपको इसमें क्या लगता है? ये आपको हमने बताया, ये हमारे युवा नौजवान साथी छात्र माताओं बहनों बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे दिन प्रतिदिन भारी संख्या में प्राप्त हो रहा है। बस इसी तरीके से मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, मैं सदा ही ऋणी हूँ और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत आभारी हूँ जो कि बड़ी संख्या में आप लोगों का भी बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।